आप सभी को मैं हृदय से प्रदेश सरकार बधाई देता हूं। आप सबका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से सांसद श्री कमलेश पासवान जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कैंपियरगंज से विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराइज से विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, चिल्लूपार से विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव से विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, खजनी से विधायक श्री सिहराम चौहान जी, सहजनवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के वे सभी परिवार के सदस्यगण, जिनके परिवार और बालक और बालिकाएं आज यहाँ पर वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं, आप सभी को मैं विवाह पंचमी के अवसर पर, इस पावन आयोजन के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थीं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई, तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 रुपया करके एक एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2,00,000 बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1,000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सब जानते हैं प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन्हें हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन के माध्यम से 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 12,000 रुपये सालाना हम प्रदेश और केंद्र की दोनों डबल इंजन की सरकारें उन परिवारों को दे करके उनका संबल बनने का कार्य करती हैं। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विकास तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने अभी देखा है मंच पर जो बालक बालिकाएं, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी आप सबके बीच में आने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोगों के कार्यक्रम वहां कर्मकांड के सभी संपन्न हो रहे हैं, तो यहां पर कुछ जोड़े मंच पर ही आए थे और मैं देख रहा था हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़े हुए लोग उसमें थे। ये समाज में बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, सरकार
बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। और आज उसी मनसा के अनुरूप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था, सबका साथ और सबके विकास का, उसका एक मूर्त रूप इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न कर रहा है। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि परिवार के लोग यहाँ बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष और उमंग के साथ इस पावन तिथि पे एकत्र होकर के इतने बड़े आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है वे बालक और बालिकाएं और वे परिवार के लोग अपने को इस बारे में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास संसाधन होते, हो सकता है कि आप अपने परिवार के नातेदार रिश्तेदार के साथ घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम कर पाते, लेकिन तब मैं या मंच से जुड़े हुए लोग आपके कार्यक्रम में भागीदार हो सकता है नहीं बन पाते, क्योंकि कठिन होता है एक एक घर में जा पाना, एक एक व्यक्ति के साथ वहां पर संवाद बनाना इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन आज यह हम सबके लिए गौरव की बात है, इतने बड़े आयोजन के साथ आपका ये विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभिभावक और परिवार के सदस्यों को भी इसमें खुशहाली होगी कि मैं स्वयं यहां पर आया हूं, यहां पर हमारे सभी सांसद और विधायक गण आए हैं, महापौर जी आए हैं, सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सबकी शुभेच्छा आपके साथ में है। और आप जो संकल्प आज यहां पर लेंगे, न केवल अपने वैवाहिक जीवन का, बल्कि हम बाल विवाह को नहीं होने देंगे, हम दहेज मुक्त वैवाहिक कार्यक्रम को ही प्रश्रय देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, दहेज जैसी कुप्रथा का हम समाधान करेंगे, उसका पूरी तरह समाधान करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और समाज में अगर कहीं कोई कुप्रथा है, समाज में अगर कहीं कोई विकृति है, उसे दूर करने में सभी लोग अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर 1000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहां पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सबका वैवाहिक बंधन का एक कार्यक्रम, हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को ताजा कर देता है। और मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं। आज कालीबाड़ी के बाबा यहां आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे स्वयं यहां पर रह करके सभी जोड़ों को यहां पर आशीर्वाद देने के लिए वहां जाएंगे और उन लोगों के साथ जोड़कर उन लोगों को आशीर्वाद दे करके, और यहीं पे आज दोपहर का भोजन उनके साथ में वे यहीं पे पाएंगे भी, यहीं रहेंगे, यहीं भोजन पाएंगे। उनके साथ में उनके शिष्य फतेह बहादुर सिंह जी रहेंगे, रवि किशन जी अगर रहना चाहेंगे तो वे भी उनके साथ रह सकते, नहीं तो सीताराम जी उनके साथ में रहेंगे, तो ये सभी लोग यहाँ रहेंगे। पुष्पतन जैन जी भी यहाँ पर हैं, ये सभी लोग रहेंगे। कितना खुशनुमा माहौल है आप लोगों के लिए और सौभाग्यशाली माहौल है, इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सियाराम की, बोले सीताराम की, हर हर महादेव। आज के इस शुभ विवाह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य कुछ यूं ही प्राप्त हो गया कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे शाम हरिद्वति होए। आज यह अद्भुत क्षण कि 1000 जोड़ों के इस विवाह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन, उनका सानिध्य एवं संरक्षण उनके भावी जीवन में कुछ यूं ही प्राप्त हो गया कि PLEL PSEL जान निहारी मणि मुदरी मुदित उतारी, माता पिता सबके तुल्य, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिसकी जो आकांक्षा होती है उस आकांक्षाओं को सदैव पूरित करने के लिए तत्पर रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय सांसद, हमारे लोकसभा सांसद सदन, माननीय सांसद बांसगांव एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को एक बार पुनः कोर्स तक सादर नमन एवं अभिनंदन एवं धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय, अपना आशीर्वाद।